हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी 1 बजने वाला है और अभी हम सब जा रहे हैं ऑटो एक्सपो जो नोएडा में है। और वहाँ पे मतलब नई नई गाड़ी और बाइक वगैरह मतलब वहाँ पे लॉन्च होती है। सबसे पहले वहाँ आती है, वहाँ पे लॉन्च होती है। तो हम जा रहे हैं मोटर शो में जो है ग्रेटर नोएडा में। एक कंपोनेंट शो भी है जो प्रगति मैदान में, हम मान जा रहे हैं हम नोएडा जा रहे हैं। तो बब्बू जा रही है, वी भाई नहीं जा रहा, वी भाई यहाँ पे। वी भाई वैसे पहले अभी तैयार हो गया था, मतलब अभी खड़ा हो गया था तैयार होने के लिए कि हाँ चल मैं भी जा रहा हूँ। फिर पता नहीं क्या हो गया, अब नहीं जा रहा। पीरू जा रही है, लकी भाई जा रहा है, सन्नी जा रहा है, भाई जा रहा है। तो अभी हम चलते हैं और हम काफी लेट हो गए हैं पहुंचने में। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, फिर आने में कितना टाइम लगेगा, तो अभी देखते हैं। बैग ले जाना, सही मिलता है। बैग अलाउड नहीं है, इस चीज की बात हो रही है। अभी सब रेडी हो गए, अब चलते हैं। बाय बाय बाय। उसके लिए ऐसे ई रिक्शा चलते हैं वहाँ से। अब हमें चल के जाना है और ई रिक्शा भी ले सकते हैं, जैसे एक्वा कलर के चल रहे हैं, बहुत सारे आए जा रहे हैं ऐसे, ये फ्री होते हैं। तो अब यहाँ से हमको, ये सामने मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे जाके हमको एक्वा लाइन में चेंज करना है। स्टेशन पहुँच गए जहाँ से हमें एक्वा लाइन के हम बोलेंगे मेट्रो, नोएडा का मेट्रो स्टेशन। हाँ, नोएडा का मेट्रो स्टेशन। यहाँ दिल्ली मेट्रो कार्ड नहीं चलेगा, कृपया टिकट लेकर यात्रा करें। ये मोड़नी नहीं है, वापसी में भी यही टिकट यूज होगी। हमसे हो ही नहीं रहा है, कैसे होता है, होगा। उल्टा नहीं लगा रही हूँ, पिचका दे रहा हूँ। क्या यार, जब हम एक्वालाइन के मतलब बोल रहे थे टिकट, तो बब्बू ने बहुत अपना दिमाग चलाया, इंजीनियर वाला। बब्बू ने बोल दिया मैं भी टिकट लूंगी और लकी भाई को भेज दिया दूसरे काउंटर पे टिकट लेने के लिए। लकी भाई नहीं ले पाएगा, अगर वहाँ भीड़ होगी तो मैं ले लूँगी उससे पहले, और अगर बब्बू नहीं ले पाएगी तो लकी भाई ले लेगा उससे पहले। और फिर फ़ोन कर देंगे कि मिल गई या छोड़। पर क्या हुआ, जैसे बब्बू ने ली उसी टाइम लकी भाई भी आ गया कि लो भाई, और दोनों ने ले लिया। हमारे पास इतनी सारी टिकट हो गई, अब हम सोच रहे भाई अब क्या करेंगे इतनी सारी टिकट का। फिर छः टिकट हमने बेची सब। एक को पूछ रहे आपको वहाँ जाना है, लो आप ये ले लो। फिर सबसे लिए पैसे 40-40 रुपये। यहाँ पे ये सब तैयारी ऑटो एक्सपो के लिए, और यहाँ पे मतलब इतना मतलब ट्रैफिक मैनेजमेंट भी सही कर रहा था, मतलब वो खुद रोड क्रॉस करवा रहे, मतलब रोक रहे सब कुछ गाड़ी वाड़ी वहाँ पे, और फिर जाने को बोल रहे सबको। क्या बात है भाई, मास्क भी मिल रहे हैं। अभी हम ऑटो एक्सपो पहुंच गए हैं और अभी हम अंदर जाते हैं और देखते हैं वो भी हम क्या करेंगे। और अभी हम अंदर किसी से मिलने भी वाले हैं, तो आप वो आपके लिए सरप्राइज है, आप उन्हें जानते भी होंगे ही सब। तो अभी हम इसमें जा रहे हैं, ये इंडियन आयल का पवेलियन है। तो ये वाला जो पवेलियन है वो ग्रीन फ्यूल को सपोर्ट करता है, यहाँ पे जितनी भी कार्स है वो ग्रीन फ्यूल को प्रमोट करती है, मतलब ऐसा मतलब जो एनवायरमेंट को पल्यूट ना करे। यहाँ पे जो भी मतलब गाड़ी है वो बायो फ्यूल से यूज होती है। ये सब कार्स और बाइक वैसे ही बना रखी है कि इनमें बायो फ्यूल यूज होगा, ये पॉल्यूट नहीं करता। जैसे ये बायो फ्यूल है, क्या बनाते हैं, लिक्विड का बायो फ्यूल बनाते हैं, उससे फिर वो पावर व्हीकल के लिए फ्यूल को कन्वर्ट करते हैं और फिर वो बर्न करता है, तो वो लेस मतलब पॉल्यूशन नहीं करता। ये शुगर केन का है, ये राइस है, मेज है, तो इनको एज अ फीड स्टॉक लेके ना ग्रेन स्टोरेज में जाते हैं, वहाँ से कन्वर्ट करके इनका फर्मेंटेशन किया जाता है, फिर लिक्विफैक्शन होता है, कूलिंग टैंक में जाता है, फिर ये फर्दर स्टोर होता है एक जगह पे, जैसे इथेनॉल प्लांट है, यहाँ पे इथेनॉल प्रोड्यूस हो जाएगा, उसके बाद इसका फर्दर कन्वर्जन करके ये बायो डीजल बनता है, मतलब ये पूरी साइकिल है, और उसके बाद ये जाता है वहाँ पे पेट्रोल पंप।
तो अभी बब्बू और पीरू और लकी भाई वहाँ लास्ट में बैठा है, देखते हैं इन्होंने कितनी गाड़ी सीखी अभी तक। वाव क्या गाड़ी चला रहे हो, कैसा लग रहा है? पीरू तो छू भी नहीं रही उसे स्टेयरिंग को। क्या हो रहा है, तू हाथ छोड़ी हो एक बारी, हाथ तो छोड़। मैं क्या करूँ, मैं जॉब छोड़ दूँ? नाइस जॉब। भाई लक्की भाई है पूरी फॉर्म में, मुझे देख। अरे भाई गाड़ी ठोक के मजा आया, दोनों ने एक ही काम किया, इसने भी ठोक दी इसने भी ठोक दी, तुम ही अपने हट के पड़े हो। ये तो अलग भाई वो चला के भी आ गया, तुमसे यहीं से नहीं निकला जा रहा, पता चल गया भाई तुझे गाड़ी बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं। गाड़ी ठोक गई, मैं क्या करूँ। तो भाई अभी गाड़ी वाड़ी चला ली है और सामने गेमर फ्लीट भैया आ गए हैं। बहुत मजा, आप कैसे? आप लोग कब आए यहाँ? थोड़ी देर पहले ही आए थे। जब से हम आप ही की राह में थे, कब आओगे? चलो आती हूँ बात। भाई मैं ना सुबह से सोच रही थी, मैंने ना गेमर फ्लीट भैया की ना स्टोरी देखी और फिर मैंने देखा कि है ना वो ना यहीं पर आ रहे हैं और हम भी आने वाले थे, तो मैं इतनी एक्साइटेड थी कि आज तो हम पक्का मिलेंगे। फिर हमारी सुबह से बात हो रही थी कि आज मिलेंगे और हम सुबह से ना वेट कर रही थी मैं कि भैया कब आएंगे और अब जाके मिले और इतना अच्छा लग रहा है उनसे मिल के। तो गाइस भैया के आते ही भैया को फैंस मिल गए हैं। तो अभी हम आए कुछ बाहर खाना खाने के लिए, क्योंकि हमने भाई काफी टाइम हो गया हमने कुछ भी नहीं खाया है। पर इधर का रेट देखे, एक समोसा 60 रुपए का, क्या बात है। वो ने जस्ट अभी बताया कि इधर कुछ नहीं है, हमें अंदर ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे है जैगुआर ईवी, यहाँ पे कुछ तो है, हमें कुछ पता नहीं चला इसे क्या बोलते हैं। तो अभी हम अंदर बैठ गए हैं, वैसे तो ये मेरे ख्याल से तो ये नकली ही है क्योंकि पप्पू बोल रही है ऐसा, मेरे को नहीं पता, पप्पू बोल रही है। पीरो चला के ले जा। जो गाड़ी है ना बिल्कुल आर्मी वाला लुक दे रही है, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज भी है, लोग कर भी रहे हैं। तो अभी हम खाना खाने के लिए बाहर आए हैं, पीरू के पास एक पर्ची मतलब हमने ऑर्डर किया है तो वो पर्ची लेके देंगे, मतलब उनकी दुकान इधर है, टोकन वहाँ से लेकर आना पड़ेगा सिस्टम। तो अभी अब मेरे लिए पानी लेकर आई, जब से हम इधर आए ना हमने एक से पानी नहीं पिया बिल्कुल भी, और मुँह पूरा से सूख गया है ना, पता नहीं सालों से पानी नहीं पिया होगा ऐसा लग रहा है। जिसका मुझे ये खाने के लिए आती है, अरे और भी है। तो अभी हमारे पास है नूडल्स, ठीक ठीक है, चटपटे नहीं है, थोड़े फीके फीके से हैं, पर ठीक है, अभी भूख लग रही है तो ठीक ही लग रहा है। फिर अभी चिली पोटैटो भी ले आई है, चिली पोटैटो में चिली नहीं है यार। अब खाना खाया और अब लग रहा है भाई अब कुछ हम देख सकते हैं ना, तब से तो चल रहा है कोई जरूरत नहीं है देखने के, घर चल लो। ये गाड़ी मुझे बिल्कुल नैनो की भाई लग रही है, नैनो की छोटी बहन है ये, जैसे बेबी मोबिलिटी इलेक्ट्रिक कार है, 4-सीटर है, तूने की मुझे लगा 2-सीटर है, नहीं पीछे भी तो दे। तो अभी हम पहुंच गए हैं किया के पवेलियन में और यहाँ पे सारी किया की वो वाली गाड़ी है जो अभी लॉन्च होने वाली है। ओ भाई ये वाली गाड़ी देखो, ये नई लॉन्च है किया की। अल्ट्रा प्रीमियम गाड़ी है क्या, स्टीयरिंग देखो कितना स्मार्ट स्टीयरिंग है। तो अभी हम टू व्हीलर्स के सेक्शन में आए हैं, यहाँ पे बाइक स्कूटीज वगैरह होगी जो जो नई नई अभी लॉन्च होगी, तो अभी हम वो सब देखते हैं। ऐसे यहाँ पे है बहुत सारी, पता तो है नहीं मुझे कौन कौन सी है, ये कौन सी बाइक है हमें, जैसे कि हमें ये भी नहीं पता ये वाली कौन सी है। और
होगी कौन सी है भाई, यहाँ पे तो अलग अलग तरीके की बाइक दिख रही है। तो अभी हम वापस इधर आ गए हैं क्योंकि अभी हमें पता चला कि अब इसमें बैठ सकते हैं। सृष्टि भाई तेरे पैर नहीं पहुँचेंगे, पूरी टोपी वोपी भी ऐसी लगा के आ रही है तो बाइक। अब सृष्टि ऐसे उड़ा के चली जाएगी यहाँ से। सृष्टि नहीं, न्यू मोटो ब्लॉगर बन गई है। यहाँ पे तो इतनी सारी बाइकें हैं मतलब, और इसमें ऐसी कि मतलब कि बस देखो और जाओ, हम बैठ के भी देख सकते हैं। और इतनी सारी स्कूटी बाइक दोनों है। सृष्टि को गाड़ी में बैठने का तो बिल्कुल शौक नहीं है, पता नहीं बाइकों का क्यों शौक इसको इतना ज्यादा आ रहा है, हर बाइक में बैठ के देख रही है। नहीं है भाई इसमें फ्यूल भाई, ये हर बाइक पे जाके बैठ जा रही है, हर बाइक पे जाके। प्राइस कितने होंगे? मुझे चाहिए एक चाहिए। तो अभी हम मस्त सारी बाइक से बैठ गए भाई, मजा आ गया। और आगे जा रहे हैं कार्स देखने। वैसे तो हमें और भी मतलब बहुत सारी कार वो देखनी थी, जो बाइक एक्सक्लूसिव गाड़ियां, पता नहीं मेरे को नाम तो नहीं पता, इनको देखनी थी पर वो हमने देखी तो है नहीं, पर क्योंकि 8 बज गए, हमने पहुँचते पहुँचते हमें पक्का 12 बज जाएंगे क्योंकि आते आते हमें 2-2.5 घंटे तो लगे गए थे, तो अभी जाने में बहुत टाइम लगेगा, तो अभी चलते हैं। और यहाँ पे ना 5 बजे से पहले यहाँ पे बाइक का एक्सपीरियंस भी कर सकते थे कि हम मतलब हर बाइक का, पर अब हम तो लेट आए थे तो हम वो देख भी नहीं पाए। हाय गेमर फ्लीट भैया, यही नाम आपका इतना फेमस हो चुका है। बाय बाय भैया, नहीं कोई अंशु भैया नहीं बोलता, सब गेमर फ्लीट भैया, गेमर फ्लीट भैया। बैठो बैठो बैठो, ये सुबह की टिकट है क्योंकि बबू ने रिटर्न की भी ले ली थी। भाई ये टास्क है भाई सबसे बड़ा जो कि मैं कर सकता हूं। ओ इसका हो गया, ओ तुम्हें आ गया भाई, क्या भाई। तो अभी 9:30 बजने वाले हैं और हमें तो ये लग रहा है भाई हम मुश्किल से अब 10 बजे घर पहुंचेंगे, 10:30 के आसपास ही पहुंचेंगे, और घर में बहुत डांट खाने वाले हैं क्योंकि सब बोल रहे थे भाई जल्दी निकलो जल्दी निकलो। तो भाई हमारी मेट्रो आने वाली है और हमारा टास्क है कि हमको खाली सीट में बैठ जाना है, वहाँ पे सारी खाली सीट होगी और बहुत सारे जगह बैठने के लिए। बस 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 ओ भाई खाली है, चलो 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 खाली है। चलो भाई कौन दे रहा है, सक्सेसफुल है हम इस टास्क में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं और अभी हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, और बाहर तो इतनी ठंड हो रही है। यहाँ पे एक वैन लगती है और लगी है और वो कुछ कुछ खाने का देते हैं, तो अभी हम उनसे फर्स्ट टाइम खाएंगे वो थोड़ी। तो ये वैन है, अब हम इस वैन से नहीं ले रहे कुछ भी क्योंकि यहाँ पे कोई ठंडा नहीं है। तो अभी हमने रोल भी पैक करवा लिए अपने के लिए, तो अभी हम घर पहुँच चुके हैं, वो ये जा रहे हैं, बाय बाय। तो बस हम सोएंगे, अब हमारा और कुछ काम नहीं है, असली वॉर अब है जब हम अंदर जाएंगे। हाय ताई, कितनी जल्दी आ गए ना, आदत पड़ रखी है ना अंधेरों को और क्या है। तो गाइस अभी 11 बज चुके हैं और अभी बस हम खा रहे हैं और सो रहे हैं, तो अभी हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाय। तो हम जा रहे हैं मोटर शो में जो है ग्रेटर नोएडा। ये सब तैयारा